दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन गुड हेल्थ पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम, जी हाँ, आप जानेंगे कि वैसे तो देखने में एक मिनरल लगता है, लेकिन जिस तरह से शरीर को आयरन की जरूरत होती है, उसी तरह से मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, ये कहें कि ये हमें सहायता करता है लगभग 300 से ज्यादा एंजाइम्स को उसके डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शंस करने में, जैसे कि बॉडी के अंदर प्रोटीन का बनना, बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग बोन्स का बनना, ब्लड शुगर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और हमारे जो नर्वस सिस्टम है या मसल सिस्टम है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना, और इवन ये शरीर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की तरह काम करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा लगभग आधे से ज़्यादा मैग्नीशियम हमारी बोन्स में स्टोर होता है और बाकी बचा हुआ हमारे टिश्यूज़ के अंदर। अमूमन एक मेल इंसान को 400-420 mg पर डे की जरूरत पड़ती है, और उसी तरह से एक फीमेल को 310 और 320 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से मैग्नीशियम जरूर लेना चाहिए अपने शरीर में। और ये ध्यान रखना है कि अगर शरीर में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो हमें हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बोन हेल्थ से संबंधित, यानी कि हमारी हड्डियों का कमजोर होना, माइग्रेन का आना, डिप्रेशन हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक संबंधी इस तरह की समस्याएं, और इवन टाइप 2 डायबिटीज भी पॉसिबल है। लेकिन इसको आप किसी दवाई के रूप में नहीं ले सकते। इसको लेने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, नेचर ने उपलब्ध कराई हैं। केला उपलब्ध है, आप रेजिन ले सकते हैं यानी कि किशमिश, होल ग्रेन्स यानी कि हम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं केला, किशमिश, मोटा अनाज यानी पूरा अनाज जैसे खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स, काजू, बादाम और पीनट्स जैसी चीज़ें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि मैग्नीशियम हमारे शरीर में हेल्प करता है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन पे। यानी कि हम विटामिन डी तो ले रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी में किसी भी तरह की कमी आ रही है मैग्नीशियम की, तो विटामिन डी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मैग्नीशियम का लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।